हाय गाइस, दिस इज नाशित और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉन जोन्स के बारे में। जॉन जोन्स नॉट एज अ फाइटर, जो हम लोग जानते हैं, हम क्यों जानते हैं, आप क्यों जानते हैं जॉन जोन्स को एज अ फाइटर। वो फाइटर है, UFC का वर्ल्ड लाइट हैवी वेट चैंपियन है। मचीटा को उसने जिस तरीके से सबमिट किया था, इट्स लाइक अमेजिंग, इसी वजह से हम लोग जानते हैं। लेकिन एक और साइड है जॉन जोन्स का एज अ ह्यूमन। तो आज हम लोग बात करेंगे जॉन जोन्स एज अ ह्यूमन। ही इज लाइक अ वेरी ट्रबल्ड सोल, क्योंकि जॉन जोन के पास क्या नहीं है। ही गॉट अ ग्रेट फैमिली, उसका एक दो भाई, तीन भाई है, दो भाई NFL में खेलता है। इट्स लाइक बचपन से इतने अच्छे स्कूल में वो पढ़ा है, इतना अच्छा उसका एजुकेशन इतना अच्छा है। और आप सोचिएगा कि इट्स लाइक वो ट्रबल्ड सोल टाइप का मतलब इस तरीके का क्यों करता है वो इतना। जैसे हिट एंड रन में एक बार फंस चुका है, एक बार मतलब आपको पुलिस उसको पकड़ना चाह रही थी तो वो एक दिन पुलिस से भागता रहा, और उसके बाद से फिर एक बार आपको USADA ने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वो क्या बोलते हैं डोपिंग का केस चल रहा था उस पर। एक बार उसको स्ट्रिप कर दिया गया, कभी भी वो मैच नहीं हारा है। लेकिन एक बार सिर्फ वो मैच हारा है, उसके मतलब रिकॉर्ड में 1 क्यों है, क्योंकि उसने वो इल्लीगल स्ट्राइक कर दिया था। तो इट्स लाइक जॉन जोन्स के बारे में हम सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अगर जॉन जोन्स खबीब टाइप का होता या मतलब किसी भी टाइप का होता, वन ऑफ द बेस्ट है वो। और बहुत आदमी, मैं भी आर्ग्यू कर सकता हूँ कि, और आप भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम मिक्स मार्शल आर्ट, दैट्स इट। आप कोई आदमी खबीब के बारे में भी कर सकता है, कोई आदमी आपको जॉर्ज के बारे में भी कर सकता है, लेकिन आप जॉन जोन्स के बारे में भी कर सकते हैं। लेकिन जॉन जोन्स जिस तरीके से अपने जिंदगी को ट्रीट कर रहा है, जिस तरीके से आपको, मतलब यार हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे पहला बात तो कि ऑनलाइन उसका पूरा वीडियो है, मतलब पुलिस ने 13 मिनट तक उसको वीडियो बना के डाल दिया, और मतलब वो कैसे लीक हो गया, इट्स लाइक अमेजिंग। मतलब वो पब्लिसिटी स्टंट टाइप का है कि ये लीक कैसे हुआ। और मैक लाइफ मतलब यूट्यूब चैनल है, मतलब उसमें मैंने देखा उसको कैसे मिल गया, आई डोंट नो। लेकिन ही इज अ वर्ल्ड क्लास एथलीट, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आप उसको कंपेयर कीजिए और कोई स्पोर्ट्स से, जैसे रॉजर फेडरर से आप उसको कंपेयर कीजिए, राफेल नडाल से, नोवाक जोकोविक से, उसको आप टॉम ब्रेडी से कंपेयर कीजिए, लेब्रॉन जेम्स के साथ उसको कंपेयर कीजिए। वो लोग अपने बॉडी को किस तरीके से मतलब रखते हैं, दे ट्रीट लाइक अ, इट्स लाइक अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जॉन जोन्स कैसे ट्रीट करता है, अभी भी वो मतलब जब वो उसको अरेस्ट किया गया तो उसके साथ कोई और था पता नहीं चला, और कहीं पर से गोली की आवाज़ आई, गोली चलने की, तो इस वजह से वहां पर अटेंशन आ गया। और जॉन जोन्स है तो, और अभी कोरोना वायरस की वजह से कहीं पर कुछ न्यूज़ नहीं है, तो मैंने कहीं कहीं पर कमेंट्स देखा कि इट्स लाइक जॉन जोन्स थैंक यू फॉर दिस न्यूज़। इट्स लाइक दे आर जस्ट, आई डोंट नो, मतलब बेकार आदमी होते हैं दुनिया में। मतलब इसका क्या मतलब भाई, मतलब वो एक तरीके से वो अपने जिंदगी का बैड फेज में चल रहा है, और यू आर सेइंग दैट और कमेंटिंग लाइक थैंक यू जॉन जोन्स, कोरोना के जगह पे हमको और कोई न्यूज मिल गया। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपको कि वो कैसे अरेस्ट हुआ, पुलिस उसको मतलब देखा गया कि उसके पास एक गन है और उसके पास ही इज लाइक ड्रंक। मतलब इतना हिस्ट्री उसके साथ रह चुका है, पुलिस के साथ इतनी खराब हिस्ट्री है उसकी, तो मतलब एक ड्राइवर रख लो यार, मतलब क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। और सोच के आप भी मतलब ये हो जाएगा कि उसके साथ उसके जिंदगी में ऐसा हुआ, ऐसे वो अपने बॉडी को ट्रीट करता है, और लेकिन तभी भी वो मोस्ट UFC फैंस, मार्शल आर्ट फैंस आर्ग्यू कर सकते हैं कि जॉन जोन्स इज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इट्स लाइक अमेजिंग। और हमको नहीं लगता है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि उसके साथ हमेशा ऐसा होता रहता है, अरेस्ट हुआ और उसके बाद से पुलिस आई, उसके बाद से मीडिया में न्यूज़ हुआ, उसके बाद से फिर हंसता गाता फिर वो मैटर ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा, जब पिछले बार ऐसा हुआ था तो एक उस जज ने लास्ट में बोला था, मतलब मैं एरियल हवानी ने बता रहा था, एरियल हवानी बता रहा था कि पिछले बार जब ऐसा हुआ था तो एक जज ने सब मैटर ख़त्म होने के बाद उसको बोला था कि इट्स लाइक जॉन नेवर कम बैक अगेन। अगर वही जज उसको फिर से मिल गया तो इट्स लाइक, मतलब उसके लिए जॉन जोन्स ही इज गोइंग टू जेल मैन, मतलब कुछ बेल वेल नहीं मिलने वाला है उसको। और ऐसा कितने बार चलेगा, UFC भी अब कुछ ना कुछ दिन बाद उसको फिर से सस्पेंड कर देगी। सस्पेंशन हुआ था उसके बाद से जॉन जोन्स थोड़ा लग रहा था कि भोला है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन फिर से वही मतलब यार आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड।
और आप लोग भी जो फैन होंगे जॉन जोन्स के, क्योंकि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, आप यही सोचिए ना कि इतने चीज गुजरने के बाद भी ही इज इन द सेंटेंस, ही इज इन द आर्ग्यूमेंट दैट ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम.